जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 DSP समेत 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें तो जिन पुलिस कर्मियों पर निलंबन की गाज गिरी है उनमें DSP गुरसेल सिंह, DSP सैमर वनीत, सब इंस्पेक्टर रीना, सब इंस्पेक्टर जगतपाल जागू, सब इंस्पेक्टर सगनजीत सिंह, ASI मुख्तियार सिंह और LH ओम प्रकाश शामिल है। पंजाब पुलिस की SIT को पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू तब लिया गया था जब वो मोहाली के करई जेल में था। अब ऐसे में आपने भी उस वीडियो को देखा होगा जब लॉरेंस बिश्नोई एक इंटरव्यू देते हैं लाइव आकर। अब इसको लेकर आपको बता दें तो उन पर कार्रवाई की गई है, उन सभी अधिकारियों पर, उन सभी लोगों पर जिन्होंने इसकी अनुमति दी, जिनके अगुवाई में इस इंटरव्यू को अंजाम दिया गया। इस मामले को काफी संवेदनशील मानते हुए 2 DSP समेत 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पंजाब सरकार के गृह सचिव की तरफ से आपको बता दें तो एक आदेश जारी किया गया है जिसमें SIT की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया है कि एक निजी चैनल को लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रसारित किया गया। तो आपको पता होगा कि लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात इंटरनेशनल गैंगस्टर है। उसने कई बड़े बड़े हत्याओं को अंजाम दिया है, जिसमें बड़े बड़े हत्याओं में आपको चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो या फिर करनी सेना के अध्यक्ष हो, और जैसे अभी हाल ही में बाबा सिद्दकी की हत्या हुई, इन सभी हत्याओं में कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम शामिल है। अब इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक निजी चैनल में इंटरव्यू देते हैं। इसको लेकर भी अब कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है, जहां पर 2 और 7 पुलिस कर्मी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वीडियो रिपोर्ट, देसवा न्यूज पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।